नमस्कार दोस्तों, लिबर्टी क्लास में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के पूर्ण सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारा जो बोर्ड लेवल का एग्जाम है संस्कृत का, उनका जो सिलेबस है उसके अनुरूप हम लोगों ने ये सिलेबस तैयार किए हैं। बहुत से विद्यार्थियों कैसे कहना था कि बुक पढ़ाइए, बुक पढ़ाइए, बुक के बारे में बताइए, बुक जरूरी है। तो हम लोगों ने ये सोचा बुक पढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को इनके सिलेबस के बारे में एक बार बता दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोग चीजों को अगर समझ जाते हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों के बारे में जानना है, नहीं जानना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, यानी बेटर रहता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीजों को अच्छी तरह से देखिएगा एवं समझिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा बोर्ड लेवल संस्कृत का टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। दोस्तों 100 मार्क्स में आपको इसका दो पोर्शन होता है, जिसमें व्याकरण रहता है यानी संस्कृत व्याकरण, एवं दूसरा पोर्शन इसका होता है बुक यानी संस्कृत किताब। और 50% यानी 50% व्याकरण से क्वेश्चन रहता है एवं 50% आपको बुक से क्वेश्चन रहता है। मिनिमम 50% रहता है, कोई साथ दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन अधिकांश 50% रहता व्याकरण से एवं 50% बुक से रहता है। तो दोस्तों इसका जो पहला भाग आता है उस वो है आपका पहला भाग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव? दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% आपको सब्जेक्ट यानी आधा ऑब्जेक्टिव एवं आधा नंबर का सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। तो दोस्तों 50 मार्क्स को आप कितना होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन दिया हुआ कितना रहता है 100। 100 में आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। कितना? 100 में आपको कितना बनाना पड़ता है? 50। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको, 100 ऑब्जेक्टिव जो कि 50% बुक से रहता है एवं 50% आपको व्याकरण से रहता है। क्या? 50% बुक से एवं 50% व्याकरण से। जैसे बुक से दे देगा आपको, अभी हम लोग नहीं पढ़े इस चीज को, आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको दे देगा भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। क्या? भारत में वर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो आपको बुक से क्वेश्चन हुआ ना। दे देगा आपको मंगलम, कर्म से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया ना। तो इन सारी चीजों को आपको ये बुक से कंडक्ट कराता है। उसके बाद व्याकरण, तो दोस्तों व्याकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा उपसर्ग, प्रत्यय, लकार, अव्यय, समास, संधि, कारक एवं वर्ण, यानी इन सारी टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इनसे ही ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है। अगर चीजों को हम लोग थियोरेटिकल यानी पढ़ लेते हैं, वहां से आपको क्या ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है। तो इससे आपको कितने मार्क्स पूछता है? 50%, यानी 100 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव 50% व्याकरण से रहेगा और 50% आपको बुक से रहेगा, जो कि हमें कितना बनाना पड़ता है? 50 बनाना पड़ता है। और ये कितने मार्क्स होता है? 50 मार्क्स। पहला पोर्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव। यू आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद दूसरा भाग आपको आता है सब्जेक्टिव का। क्या आता है दूसरा भाग आपको? सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव आपको पहला क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश रहता है। क्या? अपठित गद्यांश। गद्यांश का मतलब यह हुआ कुछ पैराग्राफ आपको लिखा हुआ रहेगा यानी सेंटेंस, उस सेंटेंस को पढ़कर आपको नीचे एक क्वेश्चन, नीचे क्या रहता है? पैराग्राफ लिखने के बाद नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर आपको पैराग्राफ में से ही लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं अयोध्या के राजा दशरथ थे, दशरथ के चार पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम, बड़े पुत्र का नाम राम था। आपको क्वेश्चन दे देगा आपको कि दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था,
या जो राजा राजा के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और जस्ट उसके नीचे आपको क्या दिया रहता है, क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना पड़ता है। इन सारी चीजों को आपको संस्कृत में दिया हुआ रहेगा और संस्कृत में ही आपको आंसर बनाना है। तो ये दोस्तों ये कितने मार्क्स होता है आपको, टोटल दो गद्यांश आपको देगा जो कि आपको 13 मार्क्स कराता है। कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का। उसके बाद होता है दोस्तों पत्र लेखन। क्या? पत्र लेखन यानी निबंध, सॉरी पत्र लेखन। जैसे आप अपने प्रधानाचार्य महोदय के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें 3 दिन 5 दिन की छुट्टी की मांग हो। उसके बाद दूसरा पत्र लेखन में आपको दो पत्र लिखना पड़ता है जो कि टोटल आपको एक आपको 4 मार्क्स का होता है, 4×2। क्या दोस्तों? पत्र लेखन आपको दो दिया रहता है। जैसे आपको दे देगा अपने छोटी बहन के जन्म दिन की बधाई देने के लिए आप उनके पास एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी पत्र लेखन से संबंधित आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, और एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। अगर आप लोग दो बनाते हैं तो 8 मार्क्स हुआ, और टोटल आपको कितने दिया रहेगा? 8 दिया रहेगा, जिसमें 4, जिसमें आपको कितना बनाना है? 2, 4×2=8। यानी पत्र लेखन से आपको कितने मार्क्स आएंगे? 8 मार्क्स। उसके बाद अगला दोस्तों अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने मार्क्स होता है? 7 मार्क्स। अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब ये होगा कि आपको एसे यानी निबंध लिखना है किसी पर, जैसे अपने परिवार पर, अपने गांव पर, अपने विद्यालय पर। 7 लाइन ही लिखना है। कितने? 7 पंक्ति, यानी 7 लाइन में ही आपको क्या? 7 मार्क्स मिलेगा। जैसे हम लोग अपने गांव पर लिखते हैं, जैसे मम, ग्रामश, नामा, शर्मास्ती, यानी मेरे गांव का शर्मा नाम है। मम ग्रामे एका विद्यालय अस्ति, तो ये आपको दे दिया रहेगा। या गांव पर लिखना है, या अपने विद्यालय पर लिखना है, या अपने परिवार पर लिखना है, किसी पर भी आपको, यानी 4 दिया रहेगा, जिसमें आपको एक पर, किसी एक पर अनुच्छेद यानी 7 लाइन में अनुच्छेद लिखना है, यानी एसे निबंध लिखना है। ये कितने मार्क्स होता है दोस्तों? 7 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों अनुवाद रहता है। क्या? अनुवाद, जो कि 6 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 12 दिया जाएगा या 15, जिसमें आपको कितने मार्क्स बनाना है? 6, और 6 मार्क्स आएगा। जैसे हम बोलते हैं राजा दशरथ के 4 पुत्र थे ना, जैसे बोलते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय निसरती, वह सबसे डरता है। तो इस टाइप में आपको टोटल 12 या 15 क्वेश्चन दिया रहेगा अनुवाद, उसको आपको क्या बनाने हैं? मात्र कितने? 6। कितने बनाने हैं? 6। यानी जैसे हिंदी से हम लोग संस्कृत में कन्वर्ट करते, ट्रांसलेट करते अनुवाद, तो कितने मार्क्स होता? 6 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है, यानी लघु उत्तर या प्रश्न, जो कि आपको ये टोटल 8 क्वेश्चन दिया रहता है। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। क्या? 16 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। कितने हो गए आपको? 16। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, दे देगा आपको आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से। क्या? जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे देगा आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ना, दे देगा आपको आलस्य कथा से हमें क्या सीख मिलती है ना। तो इस टाइप से बुक से ही क्वेश्चन रहेगा, यानी हिंदी में ही क्वेश्चन रहेगा, और आपको हिंदी में ही इसका आंसर देना शॉर्ट क्वेश्चन का। तो ये आपको 16 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको मात्र 8 बनाना पड़ता है। कितने? 8, और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है, यानी 16 मार्क्स का होता है।
तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं इसका नंबर का काउंटिंग करते हैं तो आपको 50 मार्क्स क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। क्या जाएगा दोस्तों 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 13 मार्क्स गद्यांश अपठित पत्र लेखन, 8 मार्क्स अनुच्छेद, 7 मार्क्स अनुवाद, 6 मार्क्स और उत्तर प्रश्न दीर्घ उत्तर 16 एवं 50 को अगर हम लोग जोड़ते हैं 8 3 11 18 18 6 22 22 अगर इन सारी चीज हम जोड़ते हैं कितना दोस्तों आता है 100। आप लोग जोड़ लीजिए 100 आ रहा है ना। तो दोस्तों ये टोटल आपको कितने मार्क्स होता है 100 मार्क्स। इस तरह से आपका पूर्ण सिलेबस है और हमें इन सारी चीजों को पूरी सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे, चाहे वो व्याकरण से हो या गद्यांश हो या पत्र लेखन हो या अनुच्छेद हो या अनुवाद हो या प्रश्न उत्तर, इन सारी चीजों को हम लोग पूरी सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे, पूरा यानी हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो अभी हम बता दिए, चाहे वो व्याकरण हो या बुक से संबंधित। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों पुनः हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे आगे की ओर चलेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं जहां तक हो सके इस वीडियो को जरूर फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।